फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल। जिसकी आज की वीडियो में हम दो रंग का एक बहुत सुंदर बहुत इजी डिजाइन बनाना सीखेंगे। देखिए, इसके लिए हमने ब्लू कलर से फंदे डाले हैं। आप इस डिजाइन को दो कलर में बनाएंगे तो एक डार्क कलर आप ले सकते हैं और एक लाइट कलर। तो यहाँ पर हमने डार्क कलर में ब्लू कलर लिया है और लाइट कलर में हम क्रीम कलर लेंगे। फंदे हमें डालने हैं 7 के मल्टीपल में प्लस 1। तो यहाँ पर अपनी सिलाई पर हमने 22 फंदे डाले हुए हैं। तो चलिए इस डिजाइन को बनाना शुरू करते हैं। पहली सिलाई ये हम राइट साइड से बनाएंगे और इसमें हम सारे फंदे सीधे बुनेंगे। तो हम इस डिजाइन की पहली सिलाई बनाना शुरू करते हैं, सारे फंदे सीधे बुनेंगे इसमें। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें हमने यहाँ पर बॉर्डर नहीं बनाया है, क्योंकि आप इस डिजाइन को बिना बॉर्डर के भी बना सकते हैं, मतलब स्टार्टिंग से भी शुरू कर सकते हैं। और अगर आप इसे किसी जर्सी में बना रहे हैं, स्वेटर में बना रहे हैं, कार्डिगन में बना रहे हैं, तो आप इसे बॉर्डर के ऊपर भी बना सकते हैं। वहां से भी आपको इसे इसी तरह से स्टार्ट करना है जैसे हम अब कर रहे हैं। पहली सिलाई राइट साइड से सभी फंदे सीधे बुनते हुए बनाएंगे। देखिए, पहली सिलाई हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब आ जाते हैं बैक साइड में। बैक साइड में यानी हम उल्टी साइड में है अपनी डिजाइन की, लेकिन यहाँ पर हम सभी फंदों को सीधा ही बुनेंगे। बैक साइड से सभी फंदों को सीधा बुनते हुए इस दूसरी सिलाई को हमें कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए, दूसरी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आ जाते हैं फ्रंट साइड में। यहाँ पर देखिए, हमारा रिपीट पैटर्न यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। 7 फंदों का रिपीट पैटर्न रहेगा, जिसमें हम पहला फंदा सीधा बुनेंगे। ये हमने पहला फंदा सीधा बुन लिया। इसके बाद अगले 6 फंदों को 3 बार धागा लपेट कर बनाना है। देखिए, पहला फंदा हमने लिया, इसके लिए हम 3 बार धागा लपेटेंगे। 1, 2 और 3, इस तरह से 3 बार धागा लपेटेंगे। तो देखिए, हमारी सिलाई पर जब फंदा बनेगा तो ये भी ट्रिपल फंदा बनेगा, 3 धागे रहेंगे इस फंदे में। तो इस तरह से करके हमें 6 फंदे बनाने हैं। ये देखिए, 3 बार लपेटा और ये फंदा हमने बुन लिया। ये देखिए, इस तरह से 6 फंदे हमारे बन गए। पहला फंदा हमने सीधा बुना था, तो ये 7 फंदों का हमारा रिपीट पैटर्न है। पूरी सिलाई में आपके जितने भी फंदे हैं सबको इसी तरह से बनाते जाना है। अब एक फंदा ये हमने सिंपल बुना, उसके बाद 6 फंदे 3 बार धागा लपेट कर बनाएंगे। ये देखिए, 6 फंदे हमने इस तरह से बना लिए। फिर से ऐसे ही रिपीट करते जाएंगे। आपकी सिलाई में जितने भी फंदे हैं सबको इसी तरह से हमें बना लेना है। देखिए, राइट साइड रो हमारी इस तरह से ही कंप्लीट हो गई। अब हम आते हैं बैक साइड में। यहाँ पर देखिए हमें कैसे बनाना है। पहला फंदा ये हमारा सिंपल है, तो इसको हम उल्टा बना लेंगे। ये हमने उल्टा बना लिया। अब इसके बाद हम अगले 6 फंदों को, जो हमने 3 बार धागा लपेट कर बनाए हैं, इन्हें हम खोल लेंगे। ये देखिए, ऐसे खोलेंगे तो ये हमारे फंदे बड़े बड़े हो जाएंगे। ये देखिए, 6 फंदे हमने यहाँ पर खोल लिए।
अब देखिए धागा हमारी साइड है, जिससे हमने एक फंदा बुना है वो धागा हमारी साइड है। इसको हम इन फंदों के ऊपर से देखिए इस तरह से पीछे ले जाएंगे। इन फंदों को हमें बुनना नहीं है, सिर्फ इस धागे को हम इनके ऊपर से पीछे ले गए। अब इन्हें फिर से हम अपनी लेफ्ट सिलाई पर उतार लेंगे। देखिए उतार लिए, 6 फंदे जो हमने खोले हैं इन्हीं के साथ हमें ये करना है। इसके बाद देखिए धागा फिर से आगे लाएंगे, तो ये हमारा जो धागा है ये इन 6 फंदों के ऊपर से देखिए इस तरह से घूम गया। पहले हमने पीछे से घुमाया, फिर आगे से इस तरह से देखिए घूम गया। फिर से इसे राइट साइड पे उतारेंगे, ये एक बार घुमा है, इस तरह से हमें एक बार और घुमाना है। देखिए फिर से पीछे ले गए, फिर से फंदे अपनी लेफ्ट सिलाई पर लेंगे और फिर से इसे अपनी तरफ ले आएंगे। तो इस तरह से ये 2 बार धागा हमारा फंदों के ऊपर से घूम जाएगा। देखिए आपको दिखाई देगा इस तरह से ये जब घूमेगा, और इस तरह से हमें इसे घुमाना है। और एक बात का ध्यान रखना है, ये धागा हमारा बिल्कुल भी लूज नहीं रहना चाहिए, बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं, लेकिन लूज बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अगर ये लूज रहेगा तो डिजाइन अच्छा नहीं बनेगा। चलिए फिर से हम इसे उतार लेंगे। अब एक जो सिंगल फंदा है हमारा, जिस पर हमने कोई भी डिजाइन नहीं बनाया था, एक बार धागा लपेट कर बनाया था, इसको हम उल्टा बनाएंगे और फिर से यही करेंगे। ये देखिए 6 फंदे हमने खोल लिए। अब इसी तरह से धागा घुमाना है हमें, ये पहले पीछे ले गए और इसके बाद फंदे हमने लेफ्ट सिलाई पर उतार लेने हैं और इसे हम अपनी साइड ले आएंगे। बस एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पर हमारे फंदे बहुत लूज हो जाते हैं सिलाई पर, तो अगर आप इन्हें ढीला छोड़ देंगे तो ये आपकी सिलाई से निकल जाएंगे, तो इसलिए बड़े ध्यान से इनको पकड़ना है क्योंकि लूज फंदे हैं बिल्कुल। तो ये देखिए इस तरह से 2 बार धागा हमने घुमा लिया। चलिए फिर से इसी तरह से करते हैं, एक फंदा उल्टा बुनेंगे और अब इन फंदों को हम खोल लेंगे। बहुत ही इजी डिजाइन है ये, अगर आप अभी अभी बुनाई करना सीखे हैं या जो सीधा उल्टा ही बुनना जानते हैं वो भी इस डिजाइन को अपने स्वेटर में जर्सी में डाल सकते हैं। बहुत इजी डिजाइन है, बहुत सुंदर लगता है बनने के बाद। अभी आप देखना ये जब बन जाएगा तो कितना सुंदर इसका लुक आएगा। देखिए हमारी 4th रो जो है, 4th सिलाई पीछे तरफ से हमने बना ली है। अब आ गए हैं राइट साइड में, यहां पर सभी फंदों को हमें सीधा बुनना है, एक एक करके सीधा बुनते जाएंगे। देखिए सभी फंदे हमने सीधे बना लिए। अब आते हैं बैक साइड में, बैक साइड से भी हमें सारे फंदे सीधे ही बनाने हैं। देखिए यहाँ पर हमारी 6th रो कंप्लीट हो गई है। अब 7th रो के लिए हम अपना 2nd कलर यहाँ ज्वाइन कर लेंगे, जो हमने क्रीम कलर लिया है, इसका धागा यहाँ पर जोड़ लेंगे।
ये देखिए क्रीम कलर हमने जोड़ लिया। इसके बाद सेवंथ रो में क्रीम कलर के साथ सारे फंदे हमें सीधे बनाने हैं। देखिए सारे फंदे हमने सीधे बना लिए। बैक साइड में आ जाते हैं और इस सिलाई में हमें सारे फंदे उल्टे बनाने हैं। जब हम ब्लू कलर से बुनाई कर रहे थे तब हमने यहाँ पर बैक साइड से भी सीधा ही बुना था, लेकिन अब हम क्रीम कलर से कर रहे हैं तो इसमें हम बैक साइड से सारे फंदों को बैक साइड से उल्टा बनाएंगे। फिर से आ जाते हैं राइट साइड में, यहां पर सभी फंदे हमें सीधे बनाने हैं। अब हम आ जाते हैं बैक साइड में रो नंबर 10 में, इसमें हमें सारे फंदे उल्टे बनाने हैं। देखिए 10 सिलाई हमारे डिजाइन की कंप्लीट हो गई है और देखिए हमारे डिजाइन में जो फंदे हैं नीचे इसे इस तरह से हम खींच कर सही कर लेंगे। ये देखिए बीच में जो हमारा धागा था जिसको हमने घुमाया था, इसको इस तरह से हम थोड़ा सा ऊपर करके मिडिल में कर लेंगे जिससे कि हमारा डिजाइन बिल्कुल सही दिखाई देगा। और इन 10 सिलाइयों को बार बार रिपीट करते जाएंगे तो ये डिजाइन हमारा बनता जाएगा। देखिए कितना ईजी डिजाइन है ये बनाने में, और देखिए बनने के बाद ये इतना सुंदर लगता है। आप देखिए इसका एक पैटर्न हमने ये बना के रखा है, आप इसे किसी भी कलर में बना सकते हैं, बहुत सुंदर लगता है और बनाने में भी बहुत इजी है। आप इसे बनाकर देखिएगा कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।